हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे द वर्ल्ड पॉपुलेशन। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। किसी भी एरिया के डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमें जरूरत होती है वहां के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे इन विच पीपल स्प्रेड ओवर द अर्थ सर्फेस। तो अर्थ सरफेस यानी कि लैंड एरिया है, वहां पे पॉपुलेशन कैसे स्प्रेड है, किस पैटर्न में स्प्रेड है, वही हमें डिस्ट्रीब्यूशन में पता चलता है। तो जो बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो इसके थ्री पैटर्न्स होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें आता है यूनिफॉर्म डिस्पर्सन, सेकेंड क्लम्प्ड डिस्पर्सन, एंड थर्ड रैंडम डिस्पर्सन। यूनिफॉर्म यानी कि हम देखते हैं इवनली जो वर्ल्ड में जो डिस्पर्सन जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है पॉपुलेशन का। क्लम्प्ड जो होते हैं यानी कि हम इसको बता सकते हैं कि जो कॉमन टाइप होती है ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कॉमन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार क्वेश्चन भी होता है कि कौन सी कॉमन टाइप होती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो होती है क्लम्प्ड। थर्ड होती है रैंडम, रैंडम यानी कि हम इसको रेयरली मिलते हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, रेयर इन नेचर। ये तीन पैटर्न्स होते हैं किसके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के। ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 10% ऑफ लैंड एरियाज, कि जो 90% पॉपुलेशन है वो लैंड एरिया है उसके 10% पे ही लिव करती है, जिसको हम देख सकते हैं जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, कि 60% कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये 10 कंट्रीज में ही होता है, जिसको हम कैसे समझ सकते हैं, पाई चार्ट से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस पाई चार्ट से हम इस वर्ल्ड जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको समझ सकते हैं, जिसमें हमारी सबसे पहले जो आता है जो कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें आता है चाइना। चाइना में क्या है, 19.4% की कंट्रीब्यूशन बता रही है, पॉपुलेशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 19.4%, इंडिया 17.5% एंड यूएसए 4.5%। ऑब्वियसली अगर हम देखते हैं तो 40% जो कंट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये तीनों कंट्रीज में ही हम देख सकते हैं उसको, चाइना, इंडिया एंड यूएसए में। नेक्स्ट जो हमारी आती है इंडोनेशिया 3.4%, ब्राजील 2.8%, पाकिस्तान 2.7%, बांग्लादेश 2.4%, नाइजीरिया 2.3%, रशिया फेडरेशन 2.0% एंड जापान 1.9%। जो ये 7 कंट्रीज हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 20% होता है। तो जो कॉमनली हम क्या कह सकते हैं कि 60%, जैसा कि हमने पहले बताया था कि 60% कंट्रीब्यूशन कैसे, 40% 3 कंट्रीज का, इंडिया, चाइना एंड यूएसए का, और 20% जो हमारी 7 कंट्रीज और रहती हैं इनसे, बाकी के जो 40% कवर करती है वो अदर कंट्रीज होती हैं। ये हमने देखे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्प्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को और अच्छे से समझने के लिए हम इसमें से जो कॉन्टिनेंटल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी पाई चार्ट देख सकते हैं। जैसे एशिया का कॉन्ट्रीब्यूशन जो इसमें होता है वो सबसे ज्यादा होता है, कितना, एशिया 60.3%, अफ्रीका 15%, साउथ अमेरिका 8.6%, नॉर्थ अमेरिका 5.0%, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज 27, क्योंकि जो हम जानते हैं जो यूके यूनाइटेड किंगडम जो इससे अलग हो गया उसको हटा के जो हमारे 27 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 7.2%। नेक्स्ट हमारे आती है रेस्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसका कंट्रीब्यूशन है 3.4%, एंड लास्टली ओसेनिया। ओसेनिया क्या होती है, जिसमें हमारे ऑस्ट्रेलिया, मेलनेशिया, पोलिनेशिया और थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं वो सभी किसमें आते हैं, हमारे ओसिनिया में, जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम 0.5% होता है। तो इससे क्या होगा कि हमें कॉन्टिनेंटल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया और कंट्री वाइज भी।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वेयर किलोमीटर एरिया. एंड वी अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन नंबर्स ऑफ पीपल एंड द एरिया ऑफ लैंड. उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो वो हम कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो वो रेशियो जो हम कैसे निकालेंगे, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया. ठीक है, तो ये हमें क्या देखना है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के किसी भी एरिया की हम वहां पे रहने वाले जो पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं. उसमें हम रेशियो देखते हैं किसका, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया से. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2011 के सेंसस की अगर बात करते हैं, तो जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी इंडिया में वो थी 12,102 लाख. एंड द एरिया, लैंड एरिया ओनली जो इंडिया का कितना था, 31.7 लाख. तो डेंसिटी जो निकल के आई वो कितनी आई इंडिया की निकल के, 2011 की बात हम कर रहे हैं, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो डेंसिटी निकल के आई इंडिया की. तो ऐसे हम निकालते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी के यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टाइप्स. तो टाइप्स की जब भी हम बात करते हैं, डेंसिटी के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इसमें हमारा आता है अरिथमेटिक डेंसिटी एंड सेकंड फिजियोलॉजिकल डेंसिटी. जिसको हम न्यूट्रिशनल डेंसिटी भी बोल सकते हैं. फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होगी. अरिथमेटिक डेंसिटी में हम क्या देखते हैं, रेशियो देखते हैं किसमें, जो लिविंग पीपल हैं किसी भी एरिया के और टोटल एरिया के बीच में. तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन बाय एरिया. कि टोटल पॉपुलेशन और जो टोटल एरिया हम निकालते हैं उनके बीच का जो रेशियो देखते हैं वो होती है हमारी अरिथमेटिक डेंसिटी. कि यहाँ पे हमें क्या देखना, टोटल एरिया देख रहे हैं हम. और फिजियोलॉजिकल जो डेंसिटी होती है वो इसके अपोजिट होती है. यानी कि हम जो पॉपुलेशन लिविंग कर रही है किसी भी एरिया में, जो रेशियो देखते हैं वो लिविंग पीपल और वहां के जो एग्रीकल्चरल लैंड के बीच में देखते हैं. तो उसका रेशियो हम कैसे बताएंगे, पॉपुलेशन बाय एग्रीकल्चरल लैंड. एग्रीकल्चर लैंड. डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ पे हमें क्या देखना, टोटल एरिया. हम नहीं देख रहे यहाँ पे लैंड कैसे फर्टाइल है, अनफर्टाइल है, कैसी लैंड है, एग्रीकल्चर है, प्रोडक्टिव है या नहीं है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना कि पॉपुलेशन और जो टोटल एरिया है उसके बीच का रेशियो अर्थमेटिक में देखते हैं. पॉपुलेशन और जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके जो बीच का रेशियो हम निकालते हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल या न्यूट्रिशनल डेंसिटी में आते हैं. ये इन दोनों के डिफरेंसेस हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन डेंसिटी. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो 90% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, 10% लैंड एरियाज में. अब जो 10% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कहाँ रहेगी, 90% एरियाज में. लेकिन इस 90% एरियाज में से 33% एरिया ऐसा है जहां जो इसको हम क्या कह सकते हैं, अनइनहैबिटेड, यानी कि जहां पे कोई भी नहीं रहता. वो अबाउट 33% एरिया बताया गया है. अब जब भी हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉपुलेशन डेंसिटी में बात करते हैं तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट उसमें हमारा होता है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हम किसके कहते हैं कि जहां पे पॉपुलेशन जो रह रही है लिविंग एरियाज में, तो जो रेशियो आता है वो कितना होना चाहिए, 200%. जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो अगर 200% से ज्यादा है या 200% है तो उसको हम किस में कहेंगे, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में आती है वो. अब ये बात आती है कि जो वर्ल्ड में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो लोकेशन जो हम देखते हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की वो हमें मिलती है 20 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ.
ये लोकेशन बताई गई है यहाँ पे। अब जो कारण आता है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है यहाँ पे, उसका रीजन क्या है, उसमें हम बता सकते हैं क्लाइमेट, कि वहां का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमन बीइंग के लिए सफिशियंट है। सेकंड हम इसमें बता सकते हैं रेनफॉल, कि जो रेनफॉल होता है वो भी सफिशियंट होता है यहाँ पे, क्योंकि जो अगर रेनफॉल ठीक होगा तो वहां पे फर्टाइल लैंड अवेलेबल होगी, प्रोडक्टिव लैंड होती है वहां पे। साथ ही साथ क्या देखते हैं हम, थर्ड पॉइंट में हम इसमें बता सकते हैं लार्ज लैंड एरिया, कि जो लैंड एरिया है वो भी कैसा है, लार्ज है, तो उसके कारण भी जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पे मिलती है। की बात करते हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारे कॉन्टिनेंट आते हैं लाइक एशिया, एशिया में क्या देखते हैं हम कि जो भी पॉपुलेशन है जिसको हम साउथ एशिया या ईस्टर्न एशिया, जिसको हम क्या बोलते हैं मॉनसून एशिया भी कहते हैं, तो वहां पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो हाई लेवल की होती है। उसका भी कारण है क्यों, क्योंकि हमने भी बात की थी कि वहां पे जो क्लाइमेट है वो भी सफिशियंट होता है कि ह्यूमन बींग्स वहां पे अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, प्रोडक्टिव लैंड होती है, एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वहां पे, अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, लैंड एरिया अच्छे से अवेलेबल है, तो उनके कारण वो क्या कर रहे हैं वहां पे हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। अब जो एशिया में इसमें हमारे कुछ जो कंट्रीज बता सकते हैं उनमें आते हैं इंडिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, तो ये कुछ वो कंट्री है जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में आती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं यूरोप की, कि यूरोप के कौन से एरियाज है जहाँ पे हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है, तो उनमें हम बता सकते हैं स्वीडन, पोलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, अर्बनाइजेशन कर रही है, वो माइनिंग का, ट्रेड और कॉमर्स के वर्क ज्यादा करती हैं, तो अर्बन एरियाज में रहती हैं और वो उसी टाइप के वर्क करती हैं, जिसके कारण भी इन कंट्रीज में जो हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका की, कि नॉर्थ अमेरिका में जो हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है वो ईस्टर्न कोस्टल पार्ट में मिलती है, जिसमें हमारे यूएसए और कनाडा का पार्ट आता है। उनमें क्या है कि जो अर्बनाइजेशन ज्यादा और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वहां पे ज्यादा है, तो उसके कारण भी जो डेंसिटी है वो बढ़ गई है। उसमें जो हम क्या देखते हैं कि जो सिटी डिवेलर्स, अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में जो सिटी डिवेलर्स हैं वो कितने हैं, 75% हैं। सिटी डिवेलर्स यानी कि अर्बनाइजेशन ज्यादा हो गया है, वो पॉपुलेशन रूरल एरियाज में कम रहती है और सिटीज में ज्यादा रहती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने देखे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में जो हमारे आते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि हमने बात की थी तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया था, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब हम बात करेंगे लो पॉपुलेशन डेंसिटी की, एरियाज ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटी। लो पॉपुलेशन डेंसिटी हम किस में कहेंगे कि वो एरिया जहां पर कितने हैं 1 or 2 persons लिविंग करते हैं, किसमें, पर स्क्वेयर किलोमीटर एरिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया। ओके, जब भी हम बात करते हैं लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया की, तो उसमें जो हम देखते हैं जो वर्ल्ड की जो टोटल सरफेस लैंड एरिया है उसका अबाउट 95 crore square kilometer एरिया जो हमारा किसमें आता है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया में आता है, टोटल सरफेस का, ये हम बता रहे हैं अबाउट 95 crore। अगर हम इसकी बात करते एरिया अगर हम इसका निकालते हैं, तो ये टोटल जो लैंड सरफेस है उसका कितना होता है, 3/4 part ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ये हमारे सभी किस में आते हैं, लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज में आते हैं। अगर हम आगे लो पॉपुलेशन डेंसिटीज एरिया की और आगे बात करते हैं, तो हम उनको 3 part में डिवाइड करते हैं। लो पॉपुलेशन डेंसिटीज एरिया में हम सबसे पहले देखते हैं हॉट डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स लाइक सहारा, कालाहारी, थार मरुस्थल, जो भी हमारे आते हैं वो हॉट डेजर्ट्स में आते हैं। तो इस टाइप के जो भी होते हैं वहां पे हम देखते हैं जो सफिशियंसी होती है रेनफॉल की वो बिल्कुल कम होती है, लो लेवल की रेनफॉल वहां पे होती है, तो वाटर की शॉर्टेज भी होती है, तो वही एक कारण है कि वहां पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लो लेवल की होती है। सेकेंड अगर हम बात करें तो इसमें हम बता सकते हैं कोल्ड डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट्स में जो सेंट्रल एशिया के पार्ट आते हैं लाइक गोबी डेजर्ट, वो भी किसमें आता है, कोल्ड डेजर्ट में आता है। ये क्या है कि जो लोकेशन है इनकी वो रेन शेडो जोन में आते हैं, कि यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, और जो अगला जो कारण होता है या सेकंड रीजन हम इसका बता सकते हैं कि जो
समुद्र से बहुत ज्यादा दूर होते हैं और रेनफॉल भी यहाँ पे रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण भी यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लो लेवल की मिलती है। एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज में हम कौन से रीजन्स डिवाइड कर सकते हैं, जो हमारे पोलर रीजन्स आते हैं। पोलर रीजन्स में जो ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कैनेडा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया एंड एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, ये हमारे किस में आते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज में आते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर भी लो लेवल का होता है, जो सीजन होता है ग्रोविंग सीजन वो शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, और जो एरिया होता है फुली एरिया इससे कवर होता है फुल ईयर के लिए। तो ये जो कुछ कारण है कि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी लो लेवल की होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी। मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी हम किसको कह रहे हैं, कि जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और लो पॉपुलेशन डेंसिटी के मिडल में आती है। यानी कि हम क्या बता सकते हैं कि जो रेशियो निकल के आता है वो कितना है, 11 to 50% पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटीज में। अब हम इसमें देख लेते हैं एरियाज ऑफ मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी की एरियाज कौन कौन से आते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें आता है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सभी किसमें आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज में आते हैं। यूरोप की अगर हम बात करें तो उसमें हम बता सकते हैं लेटविया, नॉर्वे, स्वीडन, ये सभी किसमें आएंगे, मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी में। सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न पार्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका के भी किसमें आते हैं, मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटीज के एरियाज में आते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा आता मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, नाइजीरिया, ये सभी हमारे किसमें आएंगे, मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटीज में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो डार्लिंग बेसिन्स हैं वो भी किसमें आते हैं, मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटीज के एरियाज में आते हैं। तो ये हमने डिस्कस किए पॉपुलेशन डेंसिटीज के एरियाज के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस फैक्टर्स में जब भी हम बात करते हैं तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें फिजिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कि जिस एरिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अच्छी है, अगर पॉपुलेशन वहां पे अच्छे से सरवाइव कर पाती है तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटीज भी ज्यादा देखने को मिलती है। बजाय इसके कि जहां पर अगर हम देखें जो कोल्ड डेजर्ट एरिया है और हॉट डेजर्ट एरिया है, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटीज कम मिलती है। उसका कारण यही है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस ह्यूमन बींग के अपोजिट होती है वहां पे, तो क्लाइमेट इफेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं सोइल, कि सोइल कैसे अफेक्ट करेगा, कि किसी एरिया में जहाँ पे फर्टाइल सोइल अवेलेबल होती है वहां पे एग्रीकल्चर वर्क अच्छे से कर सकती है पॉपुलेशन, और एग्रीकल्चर वर्क से रिलेटेड जो अदर एक्टिविटीज हैं वो भी करती हैं, तो इनसे क्या है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप करती है और वो उसी एरिया में ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ की सोइल फर्टाइल होती है। थर्ड पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स कैसे, कि जो हम देखते हैं लैंडफॉर्म्स में हमारे रहते प्लेन एरियाज और हिली एरियाज। अब प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा रहना प्रिफर करती है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो अच्छे से जो रोड और रेल नेटवर्क्स अवेलेबल हो जाते हैं तो सर्वाइव करना वहां पे अच्छा है, पॉसिबल है। तो वो क्या करेंगे कि जहां पर प्लेन एरियाज होंगे लैंडफॉर्म्स में, वहां पॉपुलेशन डेंसिटीज ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे हम देख सकते हैं जो रिवर वैलीज एरियाज हैं, लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिसिपी, हुआंग हो, तो यहाँ पे क्या है कि जो लैंडफॉर्म्स हैं वो प्लेन एरियाज में मिलते हैं, तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट और ज्यादा कर सकते हैं। तो उसी एरिया में जहाँ पे प्लेन एरियाज हैं वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा सेटल करती है और रहना पसंद करती है। तभी हम देखते हैं कि जो प्लेन एरियाज में जो वर्ल्ड की 90% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, प्लेन एरियाज में ही रहती है। एंड फोर्थ पॉइंट में हम इसमें बता सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर में आता है, क्योंकि वाटर की नीड सभी को होती है। कोई भी वर्क अगर हम करते हैं तो उसमें हमें वाटर की जरूरत होती है। तो वाटर अवेलेबिलिटी का मीनिंग है कि जहां पर फ्रेश वाटर मिल रहा है, कि जिस एरिया में फ्रेश वाटर अवेलेबल हो रहा है पॉपुलेशन वहां पे रहना प्रेफर करती है। तो तभी हम देखते हैं कि जो रिवर वैलीज जो एरियाज हैं वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स,
इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम क्या बता सकते हैं? फर्स्ट हम इसमें बताएंगे मिनरल्स। मिनरल्स कैसे कि जिस एरियाज में मिनरल्स अवेलेबल होते हैं वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटीज ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो मिनरल्स जहाँ पे अवेलेबल होंगे वो क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करेंगे। अब जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज जहाँ पे लोकेटेड होंगी वहां पे जो वर्कर्स होते हैं, जो अदर एरियाज में जहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल नहीं होते, तो उस एरियाज से और मिनरल वाले एरिया में वो क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे और यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है। तो मिनरल्स अफेक्ट करते हैं और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है मिनरल्स के कारण वो भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। एंड द सेकंड इज अर्बनाइजेशन। जो अर्बन एरियाज हैं ये लाइक सिटीज और मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज है वो क्या करती हैं, अपॉर्चुनिटीज देती हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलती है। पॉलिटिकल फैक्टर्स में हम क्या बता सकते हैं कि किसी भी नेशन की जो पॉलिटिकल कंट्रोल है और जो पॉलिसीज हैं वो भी इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है वहां के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। कैसे कि वो वहां की पॉलिसीज तय करती हैं कि पॉपुलेशन माइग्रेशन होगा या पॉपुलेशन में डेक्लाइन आ गया या ग्रोथ होगी। क्योंकि जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं अगर वो पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाती उन पॉलिसीज के साथ तो उसमें से वो क्या कर लेते हैं, माइग्रेशन कर जाते हैं या डेक्लाइन हो जाता है पॉपुलेशन का। तो ये कुछ पॉइंट थे पॉलिटिकल फैक्टर्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में आएगा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी एरिया में। कल्चरल फैक्टर कैसे कि किसी भी एरिया में वहां के जो ट्रेडिशंस क्या हैं, लैंग्वेज क्या होती है, उनके रिलीजन्स क्या हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन के इन्फ्लुएंस में कि वहां की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, वहां पे पॉपुलेशन कैसे रहेगी वो एरियाज में। तो सोशल और जो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटीज को। फ्रेंड्स, द वर्ल्ड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हम का जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।